क्वेश्चन नंबर 8, एक त्रिभुज है आपके एबीसी, इसके अंदर कौन से क्या है आपके 90 डिग्री का, ये त्रिभुज है आपके एबीसी, इसके अंदर कौन सी कितना है आपके 90 डिग्री का, तो यह आएगा सी आपके, तो यहाँ क्या मान लो आप, ऐसा मान लो ए बी और ये क्या हो गया आपके सी, इसके अंदर कौन सी कितना है आपके 90 डिग्री, इसने ए का भी प्रयोग किया और बी का भी प्रयोग किया, अगर थीटा यहाँ पर है तो ये क्या हो जाएगा आधा, और थीटा के सामने क्या है लंब, और ये क्या है आपके कर्ण, अगर थीटा इसको मानते हैं तो थीटा इसके पास क्या आएगा आधार, सामने आएगा लंब और यहाँ आएगा आपके कर्ण। सबसे पहले नंबर वन ये लेंगे, इसने कहा है कि कोट ए बराबर दे रखा है अंडर रूट 3, बाद में कुछ नहीं है तो कितना मानेंगे हम, एक मानेंगे। अब देखो कोट कब आता है, लाल रंग का लिखो क्या आता है, कब आता है आधार बटा लंब, ये होता आता है, तो आधा कितना हो गया, आधा कितना हो, आधा हो गया आपके अंडर रूट का 3 और लंब कितना हुआ 1। अब यहाँ पर अगर हम कॉट बी लें, क्या ले लें कॉट बी, कॉट बी का मतलब क्या होता है आपके ऊपर, ये देने का कितना मान देने का आपके 1/√3, और कॉट का मतलब क्या होता है आपके बी का, देखो कॉट का मतलब क्या होता है आधार बटा लंब, आधा कितना है 1 और लंब कितना है अंडर रूट 3, सेम चित्र हो गया बिल्कुल, L बटा A है 10 में। अब देखो ध्यान दो आपके ये तो हो गया लंब कितना, अंडर रूट 3 हो गया, आधा कितना हो गया आपके 1 हो गया, ये दोनों मान हो गए आपके, जो मान इसमें आ रहा है वही मान इसमें आ रहा है, क्या नहीं आ रहा दोनों में आपके कर्ण नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा है कर्ण, तो पहले कर्ण याद करो, बताओ कर्ण का मान क्या होता है याद करने का, क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब के अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 3 और 1 का 1 कितना हो गया 4, स्क्वायर हट गया तो क्या आ जाएगा आपके अंडर रूट, तो 4 का अंडर रूट कितना होता है 2, तो हमने यहाँ आ गया 2, ये भी कितना हो गया आपके 2 हो गया। अब जब भी अगर आप कोट, जब भी आप ए से लेकर मान ज्ञात करेंगे तो इनको लंब आधार और कर्ण मानना, जब भी आपको बी में से ज्ञात करना है तो इनको आधार और लंब मानना। अब आपको ज्ञात करना है ये वाला कि इस पूरे का मान कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, अब हम ये वाली साइड लेंगे, कौन साइड है लेफ्ट हैंड साइड, हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड से क्या देने का है आपके साइन ए, पहले आप चौक पर सबके नाम लिख सकते हो मान लिख सकते हो, बताओ साइन ए का मान क्या होगा, साइन का मतलब क्या होता है, साइन का मतलब होता है लंब बटा कर्ण, थोड़ा सा इधर लिखो बताओ साइन ए का मतलब क्या होता है लंब बटा कर्ण, ए का ऐसा मतलब यहां से देखेंगे इसमें, उसमें मतलब लंब और कर्ण कौन से हैं 1 और 2, या गया 1/2। अब हम देखेंगे कि साइन बी कितना है, या अगला पॉइंट क्या है आपके कॉस बी है, तो बताओ कॉस बी कितना, मतलब क्या होता है आधार बटा कर्ण, अब बी का है तो इसमें लो, इसमें आधार कर्ण कौन सा, बोलो आधार और कर्ण कौन सा है 1 और 2, कितना है 1 और 2। अगला पॉइंट है आपके क्या नाम है कॉस ए ज्ञात करना, कॉस को बताए कॉस आता है आधार बटा कर्ण, अब ए का है यहाँ पर तो हम इस चित्र में आएंगे, और यहाँ बताओ आपके आधार और कर्ण कौन सा है अंडर रूट 3 और 2, ये हो जाएगा आपके अंडर रूट 3/2। अब कहा है आपके अगला पॉइंट क्या है साइन बी, बी का है यहाँ पर तो इस चित्र में जाओ और यहाँ बताओ कि लंब और कर्ण कौन कौन से है, लंब कितना देर का है अंडर रूट 3 और कर्ण कितना देर का है 2, सारे मान आगे। अब आपको लिखना है इधर वाली साइड क्या नाम है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए और क्या हो गया आपके साइन बी, चारों मान लगातार लिखो 1/2 × 1/2 प्लस कितना आएगा
√3/2 इंटू √3/2 गुणा करके कितना होता है 1/4 कितना होता है 3/4 चार के आगे आपके लसअप कितना जाएगा 1+3 चार साल बाद कट कर जाएगा चार साल एक और तीन रहेगा जब दोनों सेम हो ऊपर वाले दोनों सेम कितने तो चार में चार का बाद कितनी बार जाएगा होगा किस दम पूरे का मान क्या होगा आपके एक कैसे करना आया समझ में अब ये बात देखो इसमें दे रखा है कि 16 cot a बराबर दे रखा है आपके 12 ये गुणा किसमें जाएगा आपके भाग में तो cot a का मान हो जाएगा 12/16 दोनों किसका भाग जा रहा है दोनों भाग जा रहा है चार का भाग जा रहा है तीन बार और चार दो का भी जा रहा है चार का भी जा रहा है ज्यादा दो बार कितना आया 3/4 अब cot कब आता है cot कब आता है cot कब आता है आधार बटा लंब तो cot आता है आधार बटा लंब अब यहाँ सवाल में सब ए ए नाम लिखा हुआ बी का कहीं नाम लिखा हुआ नहीं इसलिए चित्र दो बनाने जरूरत आपको नहीं है और बिना एक भी चित्र बनाए जरूरत नहीं बिना चित्र भी कर सकते हो इसमें देखो आधार दे रहा है लंब दे रहा है क्या नहीं दे रखा है कर्ण नहीं दे रहा पहले कर्ण याद रखो क्या इसको बताओ कुछ बताया था आधार का स्क्वायर या लंब का स्क्वायर दोनों को जोड़ना है आपको तो 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा आपके 3 × 9 = 16 कितना हो गया 25 स्क्वायर हट गया इधर क्या लग जाएगा आपके अंडर रूट कितना आ जाएगा आपके 5 अब हमारे पास साइन और कॉस है पहले बताओ साइन का मान साइन कब आता है लंब बटा कर्ण लंब कितना देर का है ये देर कितना है 4 और कर्ण कितना ज्ञात किया हमने 5 अब है कॉस कॉस ये कब आता है आधार बटा कर्ण बताओ आधा कितना देर का है 3 और कर्ण कितना ज्ञात किया हमने 5 दोनों मान ज्ञात कर लिए उसमें आप मान रखना है सबसे पहले नंबर एक आपके साइन का मान क्या है साइन का मान लिखो कितना कितना है 4/5 + 3/5 और 4/5 - 3/5 5 के आगे आपके लसअप 5 से 5 कैंसिल जब दोनों सेम हो तो क्या आएगा 4+3 कैसे कर लो भाग लिख दो जगह खूब पड़ी है 5 क्या ले लो आप लसअप 5 से 5 कैंसिल क्या आएगा 4+3 यहाँ 5 क्या ले लेंगे हम 10 ले लेंगे तो कितना आ जाएगा आपके 4 - 3 5 से 5 कैंसिल ये हो जाएगा 4 और 3 कितना हो गया 7 और 4 और 3 गया 1 7 का भाग लेंगे कितनी बार जाएगा 7 बार कितना आ गया आपके 7 अब इसमें ये चित्र दे रखा है इसमें कहा है कि ये दोनों भुजाएं क्या है आपके बराबर हमें ज्ञात करना है साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा अब थीटा का है थीटा है किसमें छोटे वाले में है बड़े वाले में छोटे त्रिभुज में है क्या करेंगे देखो ये छोटा त्रिभुज इसका नाम क्या है डी बी और सी और यहाँ दे रखा है थीटा आपको तीनों चीजें क्या करनी है आपको ज्ञात करनी है आपके पास कर्ण भी होना चाहिए आधार लंब तीनों होने चाहिए देखो ये पूरा ए है और ये बीच में क्या है मिड का नाम है मध्य पॉइंट है ये दोनों क्या है आपके बराबर है तो मतलब आधा ये है आधा ये है तो ये क्या है आपके ए का आधा बताओ कितना हो जाएगा 1/2 ये पूरी है आधी यहाँ मार दी और आधी यहाँ मार दी अब ये कितना है ये कैसे याद करेंगे ये याद करेंगे तो ये त्रिभुज है इस त्रिभुज के अंदर ये लंब दे रखा है कर्ण दे रखा है आधार क्या करेंगे हम याद करेंगे तो हम याद करेंगे बी सी स्क्वायर कैसे याद करें बताओ ए का स्क्वायर और बी का क्या नाम ये वाला ये कर्ण बड़ा है तो क्या हो जाएगा आपके b² - a² इस भुजा का स्क्वायर माइनस से बी देखो यहाँ क्या था आपके 2 और 1 है तो 2 और 1 ही है अब यहाँ कितना है आपके 2 और यहाँ कितना है बी और ए कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा आधार का स्क्वायर तो ये तो है बी और ये मान कितना है ए तो लिखेंगे b² - a² स्क्वायर हट गया तो इधर क्या लग जाएगा आपके अंडर रूट ये यहाँ वाला जो नाप है कितना है बताओ कितना है नाप अंडर रूट कितना है आपके b² - अगर इसी पर समझ नहीं आ रहा यहाँ बना लो यहाँ ये वाला ये वाला सूत्र बना रहे
इसके अंदर ये भाग कितना है मुझे बताया था, एक आधा बी है, ये बी है और ये सी है, ये आ जाएगा आपके ए बटा दो। और ये बी सी हमने अभी ज्ञात किया, बी सी कितना आया अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दो आ गए पॉइंट। अब क्या बचा है, दो पॉइंट आ गए, अब क्या बचा है, कर्ण बचा है, कर्ण ज्ञात करेंगे, अब ये सीधी ज्ञात करेंगे, ये हमारे पास नहीं, हम ये त्रिभुज ले रहे हैं, ये तीनों भुजाएं लेनी है, तो हमने ये ले लिया, ये ले लिया, इससे हमने क्या किया, इससे तो ज्ञात कर ली ये भुजा, और इसको आधा करते ये भुजा ज्ञात हो गई, लेकिन हमारे पास भी कर्ण नहीं है क्योंकि साइन थीटा में कर्ण की जरूरत पड़ेगी, तो क्या करेंगे हम, अब ये और वही भुजा ज्ञात करेंगे, बताओ कर्ण कैसे ज्ञात करते हैं, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, इसके हिसाब से, तो कितना देर का है, ए बटा दो का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ तो आ जाएगा आपके ए स्क्वायर बटा चार, और यहाँ क्या है स्क्वायर के कारण अंडर रूट हट जाएगा, इधर का अंडर रूट ये हट जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। अब चार क्या लेंगे हम, दस अपन ले लो चार, चार से चार कैंसिल, तो कितना आया बताओ ए स्क्वायर, अब यहाँ गुणा और कितना आएगा चार बी स्क्वायर, यहाँ करेंगे गुणा कितना आएगा चार ए स्क्वायर, अब स्क्वायर ए स्क्वायर में ए स्क्वायर घटेगा और बी स्क्वायर में बी स्क्वायर, तो बताओ देखो क्या हुआ, ये तो हुआ चार बी स्क्वायर और यहाँ कितना हुआ चार बार तो माइनस में और एक बार किसमें है प्लस में, तो बताओ दादा किसमें है माइनस में है, तीन बार बटा कितना आ जाएगा आपके चार, चार बी स्क्वायर आ गया और चार में से एक कितना आ गया तीन ए स्क्वायर आ गया, अब ये तो है आपके सी डी स्क्वायर, स्क्वायर हट गया तो इधर क्या लग गया आपके अंडर रूट लग गया, क्या जाएगा चार बी स्क्वायर माइनस तीन ए स्क्वायर बटा चार, अंडर रूट लगा देंगे, लगाओ अंडर रूट कितना होता है, ये होता है अंडर रूट कितना चार बी स्क्वायर माइनस तीन ए स्क्वायर बटा कितना दो, जब तक दोनों की बाकी नहीं होगी, जब तक दोनों का ही नहीं, जब तक दोनों बाकी नहीं होगी तब तक आप अंडर रूट नहीं निकाल सकते, लेकिन चार का निकलता है ये उत्तर जाएगा आपके, तो ये मान क्या आया, ये आया है आपके अंडर रूट चार बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा कितना आ गया दो, अब हमारे पास तीनों पॉइंट है आपका, हाँ तीन ए स्क्वायर, अब हमारे पास तीनों पॉइंट है, हमारे पास कर्ण आधा लंब तीनों पॉइंट आ गए, अब आपको ये तीनों पॉइंट याद करना है साइन कोस और टेन, सबसे पहले फाइंड करेंगे याद करेंगे साइन थीटा, साइन थीटा कब याद होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना देर का है, कितना है लंब कितनी देर का है ए बटा दो, थीटा इधर है थीटा यहाँ है, तो ये तो हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार और ये कर्ण है, कोई फिक्स है, कर्ण फिक्स रहेगा, अब बताओ लंब कितना है यहाँ ए बटा दो और कर्ण कितना है, बताओ कर्ण कितना है अंडर रूट चार ए स्क्वायर माइनस तीन बी स्क्वायर बटा कितना आ गया दो, यहाँ भाग में दो यहाँ भी दो कट गया, उसे क्या आया ए बटा अंडर रूट चार ए स्क्वायर माइनस तीन बी स्क्वायर, जब तक दोनों की बाकी होकर दोनों एक नहीं हो जाते जब तक अंडर रूट नहीं निकलेगा, यहाँ क्या समझिए वाला साइन के बाद क्या आएगा आपके कॉस थीटा, कॉस कैसे याद करेंगे आधार बटा कर्ण, मतलब आधा कितना उसके लिए बताना, मतलब आधा कितना है अंडर रूट कितना है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा कर्ण कितना है अंडर रूट कितना चार बी स्क्वायर माइनस तीन ए स्क्वायर बटा दो, इसकी उल्टी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा बताओ, ये दो ऊपर आ जाएगा कैसे, दो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा अंडर रूट कितना चार बी स्क्वायर माइनस तीन ए स्क्वायर, अब है आपके टेन थीटा, टेन थीटा का मान क्या है, टेन का मान क्या है लंब बटा आधा, अब तो लंब कितना देर का है ए बटा दो, आधा कितनी देर, आधा कितना है आधा देर का है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब ये जो उसके नीचे उतर जाएगी संख्या भाग में तो क्या हो जाएगा आपके ए बटा दो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हार्ड है कम आने का चांस, फिर भी आपको सीखना है।